बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। वी आर लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ रियल टाइम सिस्टम्स। स्टूडेंट, रियल टाइम सिस्टम को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल टाइम सिस्टम जो है वो बेसिकली होते क्या हैं। अगर जनरल लाइफ से एग्जांपल दी जाए तो मीन ऐसे सिस्टम जिनके लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम जो है वो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसने कोई ना कोई टास्क जो है जो अलॉट किया जाता है उसने परफॉर्म उसको करना होता है। अगर वो नहीं करेगा तो कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है, ठीक है। अ रियल टाइम सिस्टम दैट इंश्योर द एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉब। जब भी किसी भी टास्क, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्ट टाइम चाहिए होता है कि इसी टाइम लिमिट के अंदर अंदर हमें ये काम हो जाना चाहिए, तो हम रियल टाइम सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं। इफ़ अ रियल टाइम सिस्टम डज नॉट कम्प्लीट अ टास्क इन अ सर्टेन टाइम, ठीक है, जो भी उसको टाइम दिया जाता है अगर उसके अंदर अंदर वो काम नहीं करता, इट मे कॉज अ ब्रेक डाउन ऑफ द इंटायर सिस्टम इफ़ इट इज़ रनिंग। क्लियर? तो अगर वो अपना टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल रॉकेट लॉन्च करना है, या कह लें कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है या मोटरवे का कंट्रोल सिस्टम है, लाइक अगर उसमें टाइम में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है, ठीक है, वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर रहा होता, तो पूरे सिस्टम को जो है वो उसका ब्रेक डाउन हो सकता है और मिसहैप हो सकता है। क्लियर? सम एप्लीकेशन रिक्वायर्स टू बी सर्व विद इन अ टाइम पीरियड, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही चलना होता है और वो उसी के दरमियान में ही अपना जो भी सर्विसेज उसने प्रोवाइड करनी होती है वो करता है। इसमें एग्जांपल्स अगर देखे जाएँ तो इसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं, एयरप्लेन गाइडेंस आ जाती हैं और मेडिकल डिवाइसेस आ जाती है, ठीक है। इन सब में टाइम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, टाइम एग्जैक्ट टाइम के अंदर अंदर ही सारा टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट, रियल टाइम सिस्टम की टू टाइप्स होती हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम, अ हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटी दैट अ जॉब विल कम्प्लीट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। हार्ड से ही पता चल रहा है कि मीन ये कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि आपका टाइम जो है वो 1 सेकेंड ऊपर चला जाए या पीछे बैक चला जाए। क्लियर? मीन जो टाइम अलॉट किया जाता है वो विद इन दैट टाइम पीरियड वो अपना टास्क उसने 100% कम्प्लीट करना होता है और वो ये सिस्टम जो है वो गारंटी देता है कि हम जो है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना टास्क कम्प्लीट कर सकते हैं। This system must ensure that all delay on processing input and output are bounded, ठीक है। ये system क्योंकि ensure कर रहा है, guarantee दे रहा है कि हम जो है वो time period के अंदर अंदर ही task perform करेंगे, तो इसमें कोई जो processing के delay आ जाता है या input output के लिए hang हो जाता है ये वो सारा कुछ इसमें नहीं होता, क्योंकि ये bounded होते हैं, वो perfectly काम कर रहे होते हैं और वो time period के अंदर ही अपना task complete करते हैं। There is no secondary storage devices such as the disk drive. सिस्टम कैन नॉट वेट इडेंटिफाई इनडेफिनेटली सो दैट हार्ड टाइम सिस्टम्स आर यूजली वेरी लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है और ना मतलब इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो इसलिए बहुत कम इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। ज़्यादातर ये होता है कि हम किसी ना किसी ऐसे तरफ चले जाएँ जहाँ पर अगर डिले भी आ जाता है कुछ सेकेंड का तो हम वेट कर लें, ठीक है। बट ये वहाँ पर ही यूज़ होता है ये सिस्टम जहाँ पर हमें टाइम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है, ठीक है। जैसे ऑटो पायलट वगैरह, जंबो जेट जो हम लोग लॉन्च करना होता है वहाँ पर, इसके अलावा इमेजिंग सॉफ्टवेयर होता है, मिसाइल्स वगैरह, इन सब चीज़ों में क्योंकि टाइम को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है और टाइम पे ही सारा काम परफॉर्म हो रहा होता है, तो वहाँ पर हार्ड रियल टाइम सिस्टम ही अडॉप्ट किए जाते हैं। अगर इसकी दूसरी टाइप देखी जाए, दैट इज़ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इज़ मच लेस रिस्ट्रिक्टिव वेरिएंट ऑफ द हार्ड रियल टाइम सिस्टम। स्टूडेंट, जैसे हार्ड रियल टाइम सिस्टम के बारे में देखा, क्योंकि वो गारंटी दे रहा होता है कि टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही वो अपना टास्क परफॉर्म कर लेता है, तो सॉफ्ट रियल टाइम जो होता है वो लेस रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। मीन के यहाँ पर वो गारंटी भी नहीं दे रहा होता कि जो आपने टाइम दिया हुआ है उसी के अंदर ही मैं टास्क परफॉर्म करूँगा, ठीक है। वो सम टाइम डिले आ जाता है उसमें, तो वो कोई सच इशू नहीं आता। सॉफ्ट रियल टाइम डज नॉट गारंटी दैट अ जॉब विल कम्प्लीट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। क्लियर? इफ़ अ सर्टन रियल टाइम जॉब
enters in a system and operating system may assign highest priority to that task. ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपका सिस्टम रन हो रहा है वहाँ पर कोई ऐसी जॉब आ जाती है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, लाइक CPU की तरफ से कुछ काम आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बैटरी लो है, लाइक इस तरह का कोई भी ऐसा कोई काम आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वो आपका वो वाला टास्क जो है वो परफॉर्म कर देगा. सॉफ्ट रियल टाइम्स आर यूज इन मल्टी मीडिया, वर्चुअल रियलिटी एक्सेट्रा. ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड सॉफ्ट रियल टाइम्स आर विंडोज NT 2000 एंड लिनक्स एंड सोलरस. ठीक है, तो यहाँ पर विंडोज़ की भी अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो आप समटाइम आप कोई फाइल ओपन कर रहे होते हैं तो वो फ़ौरन से आपको ओपन होकर शो हो जाती है, बट इन सम केसेस क्या होता है कि आप कोई फाइल ओपन कर रहे होते हो वो डिले पे चली जाती है, सम मिनट्स लेती है, कुछ सेकंड्स ले लेती है समटाइम, तो वो डिले आता है और उसके बाद वो आपको ओपन करती है. ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम यूज़ होता है कि टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि विद इन दैट टाइम ही उसने फाइल को ओपन करना है. इसके बाद बात करते हैं हैंड हेल्ड सिस्टम की. हैंड हेल्ड मीन जो कि हैंड में हम पकड़ सकते हैं. ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जो कि पर्सनली हम अपने यूज़ में लाते हैं. ठीक है, जैसे आईपैड वगैरह हो गए. ठीक है, हैंड हेल्ड सिस्टम इंक्लूड अ PDA. PDA मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. इट इज़ अ रिमार्केबल टीनी फुली फंक्शनल कंप्यूटर दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड. ठीक है, ये फुली फंक्शनल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम लोग ईमेल्स को डाउनलोड करते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं, लाइक ये काम करते हैं, इसी तरह के PDAs भी होते हैं, हैंड हेल्ड सिस्टम्स भी होते हैं, वो सारा काम कर रहे होते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये टिनी होते हैं, मीन स्मॉल भी होते हैं साइज़ में, स्मॉल होते हैं साइज़ में. क्लियर, PDA कैन होल्ड डाउनलोड ईमेल्स एंड प्ले म्यूजिक. इन 1990s फर्स्ट PDA दैट अवेलेबल वाज एप्पल कंप्यूटर्स न्यूटन मैसेज पैड. ठीक है, जो 1990 में फर्स्ट PDA बना था वो तो बहुत बड़ा था, इट वाज सो बिग, एक्सपेंसिव भी था और कॉम्प्लिकेटेड भी था. क्लियर, तो उसका नाम अगर देखा जाए तो उसका नाम है एप्पल कंप्यूटर्स न्यूटन मैसेज पैड. क्लियर, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन 1996 में एक और जो है वो हैंड हेल्ड सिस्टम आया था, पाम पायलट वाज इंट्रोड्यूस. इट वाज स्मॉल एंड लाइट इनफ टू फिट इन शॉर्ट पॉकेट. ठीक है, ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस तो ये क्या था, ये शॉर्ट इन साइज था. ठीक है, स्मॉल था, इसके अलावा लाइट वेट था. ठीक है, हम इजीली इसको हैंड में ले सकते थे और उसके अलावा शॉर्ट पॉकेट में भी हम इसको डाल सकते हैं. इट यूज फॉर प्लेइंग गेम्स म्यूजिक एंड डाउनलोड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट. ठीक है, तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे. इसके बाद लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मल्टी मीडिया सिस्टम. उसके बाद मल्टी मीडिया सिस्टम्स आ जाते हैं जो कि इट इज़ डिज़ाइन टू हैंडल कन्वेंशनल फाइल्स सच एज अ टेक्स्ट फाइल्स, प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट. कि जितने भी इस तरह की फाइल्स होती है जिनको हम लोग डिस्प्ले पे लाना चाह रहे हैं, एक बड़ी स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहे होते हैं, तो हम मल्टी मीडिया सिस्टम यूज़ करते हैं. जैसे हम लोग LCDs लगाते हैं, LEDs लगाते हैं, इसके अलावा इंटरेक्टिव बोर्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो क्या कर रही होती है, वो भी एज अ कंप्यूटर ही वर्क कर रही होती है, बट वो क्या करती है, टेक्स्ट फाइल्स को अपने जितना भी डाटा जो है वो शो करवाना होता है उसको उस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं. मल्टी मीडिया डाटा कंसिस्ट ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड कन्वेंशन फाइल्स. ठीक है, इसमें ऑडियो को भी शो कर सकते हैं, वीडियो भी शो कर सकते हैं, इसके अलावा जितने भी फाइल्स हैं उनको भी शो कर सकते हैं. मल्टी मीडिया एप्लीकेशन इंक्लूड्स MP3, DVD, मूवीज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो क्लिप्स ऑफ मूवी और न्यूज स्टोरीज डाउनलोडेड ऑन इंटरनेट. ठीक है, आपने जो कुछ भी इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं. मल्टी मीडिया इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो. ठीक है, मल्टी मीडिया में आप जैसे LEDs पे लेक्चर्स लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होता है, इसके अलावा आपको पिक्चर भी शो हो रही होती है, आप स्लाइड्स को भी शो कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये कम्बिनेशन होता है कि हम लोग ऑडियो और वीडियो को एट अ सेम टाइम जो है वो उसको सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. तो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हुआ, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.